गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 7.3। बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज वी ऑल डिस्कशन अबाउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लेट स्टार्ट। लुक एट द फ्रैक्शन 1/4, मैंने आपको बताया था ना, फोर पार्ट कौन सा होता है, होल पार्ट में कितने पार्ट डिवाइड है, दैट था फोर। तो 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे फोर हो गए, ठीक है। अब कितने पार्ट सेडेड है, वन पार्ट हमारे सेडेड है, दैट्स आ वन। तो जो ये 1/4 है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है, न्यूमरेटर होता है, एंड नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एंड वही चीज़ इसमें लिखी है, द नंबर ऑन द अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द नंबर ऑन द लोअर पार्ट कॉल्ड डिनोमिनेटर। अपर पार्ट न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल पार्ट्स बीइंग रिफरेड टू एंड पार्ट्स इन ऑल बीइंग रिफरेड टू। जितना पार्ट हमारा अलग हो, अलग से सेडेड हो या अलग हमारा पूछा गया हो, वो वाला पार्ट हमारा कौन सा आएगा, न्यूमिनेटर में आएगा। एंड पार्ट इन ऑल, कितने पूरे में पार्ट हैं, तो 1, 2, 3, 4, फोर पार्ट हैं, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो एग्जाम्पल, फाइंड द फ्रैक्शन टू द फिगर ऑफ द फिगर होज वन पार्ट इज सेडेड। सम में के वन पार्ट सेडेड है, तो हमारा जो सेडेड पार्ट है वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर, तो वन। एंड टोटल पार्ट कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल पार्ट कितने हमारे, 9, दैट्स आर 9। तो 1/9 यानी कि वन सेडेड है, टोटल कितने हैं, 9। तो वन जो हो गया हमारा न्यूमरेटर एंड 9 जो हो गया हमारा डिनोमिनेटर। वन यहाँ, अब वन पार्ट हमारा सेडेड है एज यूजली, तो वन टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा टोटल पार्ट 5। तो वन हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर एंड 5 हमारा डिनोमिनेटर। तो सिंपली अकॉर्डिंग दिस चार्ट राइट द फ्रैक्शन फॉर द पार्ट ऑफ द केक लेफ्ट बिहाइंड। अब केक के ऊपर बताया गया फिगर हमारा ये बने, फिगर के अकॉर्डिंग काम करना है। तो डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा, टोटल पार्ट, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट यानी जो बराबर बटे हुए पार्ट है उनका, तो 5। तो टोटल पार्ट हमारे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, पका हुआ पार्ट एंड कच्चा वाला पार्ट, तो टोटल कितने, 5। अब न्यूमरेटर कौन सा होता है, जो हमारे सेडेड पार्ट होते हैं या पके हुए पार्ट हैं केक के, तो नंबर ऑफ पार्ट लेफ्ट बिहाइंड जो हमारे बचे हुए हैं, तो 1, 2, 3, 4, फोर पार्ट हमारे हैं सेडेड, तो हमारे 4। फिर क्या पूछा है, फ्रैक्शन, तो 4 और 5, 5 हमारा डिनोमिनेटर है तो नीचे जाएगा, न्यूमरेटर हमारा 4 तो ऊपर जाएगा, तो 4 ऊपर 5 नीचे, तो 4/5। तो इसको हम वर्ड में कैसे पढ़ेंगे, ऊपर वाला हम पहले पढ़ते हैं, नीचे वाला बाद में पढ़ते हैं, तो 4/5 है, तो 4/5, लास्ट में एस, 4/5, 4/5। इसी तरह ये हमारा टोटल पार्ट कितने हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6। सेडेड पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5। अब फ्रैक्शन क्या होगा इसका, 5/6, तो 5/6। टोटल पार्ट हमारा सा डिनोमिनेटर हमारा नीचे ही होता है, न्यूमरेटर हमारा हमेशा ऊपर ही होता है, ठीक है। तो 5/6, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 5/6, 5/6, लास्ट में एस, ठीक है ना। वर्ड इसी तरह पढ़ते हैं, ऊपर वाला पहले फिर लास्ट वाले में टी एच लगा के एस, 5/6, THS लगा दिया, ऐड कर दिया उस नंबर पे, 4/7, 7/8, 2/9, 9/10, ठीक है ना, 10th, 9th, 8th, 7th, ठीक है ना, ऐसे ही हमको पढ़ना है वर्ड में। तो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। अब आप लोग समझ गए होंगे, अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको पता है, न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला एंड डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो न्यूमरेटर क्या है इसमें, 5, 1/5 में, तो न्यूमरेटर हमारा 1 है, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 5 है। तो इसी तरह इसमें 9 हमारा न्यूमरेटर, 15 हमारा डिनोमिनेटर। अब हमको पहचान हो गई है, अब इसमें हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिए, हमको फ्रैक्शन बनाना है। हमारा ये था पहले फ्रैक्शन, इसमें डिवाइड करना था, अब ये हमारा इसमें डिवाइड करना है, सॉरी एक्सचेंज करना है यानी चेंज करना है। तो न्यूमरेटर हमारा 7 है, डिनोमिनेटर 18। तो हमको पता है न्यूमरेटर हमेशा ऊपर होता है एंड डिनोमिनेटर हमारा नीचे हमेशा, तो कितना हो गया हमारा, 7/18। इसी तरह इसको, अब ये आ गया हमारा 2/12, तो हमको पता है 2 मीन्स 2,
इलेवेंथ से लिखा, तो इलेवेंथ मीन्स इलेवन। और जो पहले पढ़ा जाता है वो कौन सा पढ़ा जाता है, न्यूमरेटर पढ़ा जाता है। जो बाद में लिखा होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो पहले हमारा क्या है, टू, तो टू ऊपर होगा और इलेवन नीचे होगा। तो सिंपल इसी तरह इसको। अब बारी आती है चार्ट की, तो व्हाट इज राइट अ फ्रैक्शन फॉर द सेडेड पार्ट इन बोथ न्यूमेरल एंड वर्ड्स फॉर ईच ऑफ दिस फिगर, आल्सो कंप्लीट द टेबल। इन फ्रैक्शन को पढ़िए, सेडेड पार्ट को लिखिए और टेबल को फिल करिए। तो कैसे फिल करना है, फ्रैक्शन हमारा इन न्यूमेरल, तो ये हमारा क्या है, टोटल पार्ट कितने, वन टू थ्री फोर। तो टोटल पार्ट हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में, यानी फोर नीचे लिखते हैं। सेडेड पार्ट कितना है, वन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वन, तो वन अपान फोर, ये हमारा क्या है, वन अपान फोर न्यूमेरल में। अब वर्ड में क्या लिखेंगे, वन फोर्थ, वन फोर लिख गया, फिर आगे टी एच एस फोर्थ हो गया वर्ड में। देन न्यूमरेट हमारा न्यूमरेटर लिखना है, तो न्यूमरेटर हमारा एज यूजली वन एंड डिनोमिनेटर हमारा एज यूजली नीचे वाला फोर। सिंपली हमको इसी तरह अकॉर्डिंग हमको ये फिल करना है। अब इसमें कितने, वन टू थ्री, थ्री पार्ट सेटेड है, तो थ्री टोटल कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टोटल पार्ट हमारे टेन। तो कितना आया, थ्री अपॉन टेन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, थ्री टेंथ, टी एच एस थ्री टेंथ। अब हमारा न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाला थ्री, डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला टेन। सिंपल इसी तरह हमको फिल करना है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फोर, रीड द वर्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्व इन योर नोटबुक। लिखा, ए आर शू रैक हैज थ्री पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज एंड फोर पेयर ऑफ ब्राउन शूज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शूज आर ब्लैक। एक शू रैक में तीन जोड़े ब्लैक जूते हैं एंड फोर जोड़े ब्राउन शूज हैं, देन हमारा फ्रैक्शन क्या है ब्लैक शूज का। तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, थ्री एंड फोर को टोटल नंबर हमारा क्या है शूज का, टोटल नंबर हमारा लिखेंगे थ्री प्लस फोर, तो थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा हमारा, थ्री प्लस फोर इक्वल सेवन। और हमारे पूछा क्या है, शूज ब्लैक शूज, तो ब्लैक शूज हमारे कितने हैं, तो थ्री हैं, ये ब्राउन शूज हैं, तो टोटल शूज सेवन, ब्लैक शूज हमारे ओनली थ्री। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो जो अलग से पूछा गया है नंबर हमारा थ्री होगा और टोटल नंबर पार्ट हमारे डिनोमिनेटर में होता है, तो आंसर क्या होगा, थ्री अपॉन सेवन। फिर बी नंबर है, अनवर हैज़ टेन पेंसिल्स विथ हिम, अनवर के पास उसकी दस पेंसिल हैं, आउट ऑफ विच फोर आर कलर्ड, टेन पेंसिल में से उसकी चार पेंसिल कलर्ड पेंसिल हैं, वाज फ्रैक्शन वाज द पेंसिल इज कलर्ड। अब कलर पेंसिल का फ्रैक्शन क्या होगा, आपके पास मान लिया जाए टोटल दस पेंसिल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये हो गए हमारे दस पेंसिल। अब दस पेंसिल में क्या बोला गया है हमारी, कि फोर कलर हैं, तो एक कलर, दो कलर, तीन कलर एंड चार कलर, अब हो गए चार कलर पेंसिल, फोर कलर पेंसिल। अब इसका फ्रैक्शन पूछा गया, तो आप आसानी से कर लेंगे ना, जो सेडेड पार्ट है उसको ऊपर, जो टोटल पार्ट इसको नीचे, तो फोर सेडेड पार्ट है फोर, टोटल पार्ट कितने हमारे पास पेंसिल टेन, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, फोर अपॉन टेन। अब आरती हैज 12 बैंगल विथ हर, आरती के पास 12 चूड़ी हैं उसके साथ, तो आउट ऑफ ईच 3 आर ग्रीन, उनमें से 12 में से 3 ग्रीन हैं एंड 4 रेड हैं एंड बाकी जो बची ब्लू हैं, तो व्हाट फ्रैक्शन आर बैंगल आर ब्लू, तो ब्लू पे जो बैंगल्स हैं उनका फ्रैक्शन क्या होगा, तो टोटल कितने बैंगल हैं उसके पास 12, अब उसमें से ग्रीन एंड रेड, तो 3 हमारी क्या है ग्रीन और रेड क्या है हमारी कितनी है 4, अब बाकी जो बची ब्लू, तो बाकी बची अब कैसे जानेंगे, इनको ऐड कर देंगे 4 3 7, अब 7 हमारी कलर की हो गई, अब बाकी जो बची तो ब्लू है, तो ब्लू कैसे जानेंगे, तो 12 में से 7 माइनस कर देंगे, तो 7 में से सॉरी 12 में से 7 माइनस किया तो कितना बचा 8 9 10 11 12 फाइव, तो हमको पता चल गया जो 5 बची बैंगल्स हैं वो कौन सी कलर की हैं ब्लू कलर की हैं।
तो हमारा टोटल नंबर क्या आया, ब्लू का 5, और टोटल चूड़ी हमारे कितने पास है, टोटल जोड़ी 12, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 5/12, तो ये हमारा उसका आंसर होगा। ठीक है ना, ए बी सी तीनों हमने कर दिए। तो अब आपको पार्ट्स ऑफ अ कलेक्शन पूरा आपको ये पढ़ना है, कैसे क्या है समझना है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड वीडियो। थैंक यू सो मच।